आई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं बीएड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से C9 पेपर कोड में यूनिट 5 के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, फीडबैक प्रतिपुष्टि के क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं। एज लाइक स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स का क्या रोल है, इसके हेल्प से हम अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। देखते हैं पहले फीडबैक के बारे में, फीडबैक क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, जिसे हम सुझाव भी बोलते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन पे हमको प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि का मतलब हमें सजेशन देना, हमारे किसी भी कार्यों को जो हम करते हैं उसके रूप में एवज में हमें कोई जानकारी देना। जैसे एक डिफिनेशन है, इन्फॉर्मेशन आर कमेंट अबाउट समथिंग यू हैव डन विच टेल यू हाउ गुड आर बैड इट्स। इट मीन्स कि हमें इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करना या कमेंट के रूप में कोई भी कमेंट किसी भी कार्य पे यू हैव डन विच टेल यू हाउ गुड, कि हमने उस काम को कितना अच्छा से किया, आर बैड या बैड किया। इसका मतलब कि कोई भी कार्य हो उसकी गुणवत्ता के विषय में हमें जो सूचना या टिप्पणी दी जाती है उसे फीडबैक कहते हैं ना। या कर्ता को प्रति सूचना, कर्ता को प्रति सूचना कहने का मतलब कि जिसने काम किया, इसका मतलब काम करने वाले को हम जो सूचना देते हैं, जिसने हमको सूचना दिया उसी सूचना को हम प्रतिसूचना के रूप में बताते हैं कि इसमें ये कमियां रह गए, ये फायदे हैं, ये इसके विधि हैं, ये करने में और सुधार बाकी है, यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, उसको हम जानकारी शेयर कर सकते हैं। एक और देखते हैं इफेक्टिव फीडबैक टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेरी हेल्पफुल। इसका मतलब चाहे फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों बहुत हेल्पफुल करता है। कब? जब वो इफेक्टिव फीडबैक होगा, मतलब जो फीडबैक न्यायोचित होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो दोनों हमारे लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा, हमारी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं, फीडबैक इज द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब वो फीडबैक क्या है, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो वी डैट विल बी इनफॉर्म यूज टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। फीडबैक एक वो वैल्यूएबल सूचना है जो हमें इन्फॉर्म करता है, जो हमें बताता है कि हमने जो डिसीजन लिया वो कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे डिसीजन को इम्पोर्टेंस को बताता है, हमारे द्वारा किया गया काम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बेटर है। अब हम करते हैं स्टेक होल्डर्स में एज लाइक स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। जब हम कक्षा में विभिन्न गतिविधियों की भागीदारी कर रहे होते हैं, हम का मतलब विद्यार्थी, जब विद्यार्थी कक्षा में विभिन्न गतिविधियों की भागीदारी कर रहे होते हैं, तब एक शिक्षक अनौपचारिक रूप से फीडबैक देते रहते हैं। विद्यार्थी शिक्षकों, दूसरे विद्यार्थियों या अपने सहपाठियों की कार्यप्रणाली का अवलोकन करते समय स्वयं गलतियों से दूर कर लेते हैं। अब वैसे कक्षा में बच्चे को कोई गतिविधि दे दिया गया तो बच्चा ऐसा नहीं है कि आपके फीडबैक से ही इम्प्रूव करेगा, बच्चा
खुद अपने सहपाठियों के कार्य करने की शैली से उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा और उसमें खुद सुधार करेगा। और इस सीखने की प्रक्रिया में स्थिति समस्यात्मक तब बन जाती है, इस सीखने की प्रक्रिया की स्थिति समस्यात्मक सीखने की प्रक्रिया की स्थिति सम्मानजनक तब होती है जब यह दर्शाती है कि फला विद्यार्थी सही ढंग से नहीं कर रहा है। अर्थात जब फला विद्यार्थी सही ढंग से नहीं कर रहा है अर्थात विद्यार्थी की असफलताओं का रेखांकन किया जाता है। इस प्रकार की रिपोर्ट को विद्यार्थियों को निरुत्साहित करती है। एक शिक्षक को ऐसी रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। एक शिक्षक को क्या क्या फीडबैक टिप्पणियां देना चाहिए। किसी भी गतिविधि में बच्चा कोई भी गतिविधि कर रहा है उसके बाद एक सकारात्मक और रचनात्मक, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और रचनात्मक मतलब कि उसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके बच्चा, ऐसी टिप्पणी एक शिक्षक को अवश्य देना चाहिए। विद्यार्थियों को वर्तमान कार्य को पुराने कार्यों से तुलना भी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका मतलब एक विद्यार्थी को जो पुराना काम किया गया है पिछले विद्यार्थियों के द्वारा उसको भी हमें तुलना करना चाहिए, उसके बेस पे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं इससे और बेटर किया जा सकता है। विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर देखें कि विद्यार्थी की मदद की आवश्यकता कहाँ है और किस प्रकार से की जा सकती है, और विद्यार्थियों से बातचीत करें और समस्या का कहाँ है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी बात फीडबैक में जरूरी होता है एक शिक्षक को अभिभावक के रूप में। अब ज़्यादातर अभिभावक को यह पता करने के लिए, अब जैसे अब तक हमने देखा कि एक शिक्षक फीडबैक क्लासरूम में लेता है, अब देखते हैं एक पेरेंट के रूप में, एक पेरेंट होने के नाते आपको फीडबैक की कितनी इम्पोर्टेंस है। अब जैसे पेरेंट्स है उसको क्या करना चाहिए, स्टेक होल्डर टू फीडबैक बाय पेरेंट्स, इसमें हम आसानी से कुछ विधियों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा कि विद्यार्थियों ने किस तरह से सीखा और सीखने में कहां कहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को अभिभावक को समझना चाहिए। कठिनाइयों का अनुभव करते समय गतिविधियां पूरी की थी या नहीं की थी ये बात भी समझना चाहिए। एक अभिभावक को ये भी जानना जरूरी होता है क्या विद्यार्थी जो कार्य कर रहा है उसके पसंद का है कि नहीं है, उसकी रुचि है कि नहीं है कि हम उसके द्वारा कराए गए गतिविधियों पर उसको इंटरेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। संवेदनशील सेंसिटिविटी, सहयोग की भावना, कोऑपरेटिव और उत्तरदायित्व की भावना, रुचि उसमें है कि नहीं है, इन सब भावनाओं पर चर्चा करना आवश्यक होता है एक पेरेंट होने के नाते। बच्चा को जिस कार्यों के लिए दिया गया क्या वो संवेदनशील है उस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए सहयोग की भावना उसमें है, सहयोगात्मक रूप कर रहा है कि नहीं अपने अन्य सहपाठियों का, उस कार्य के लिए उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए और क्या उस विद्यार्थियों को रुचि है कि नहीं उस कार्यों में, इन सब पहलुओं को जानना जरूरी होता है पेरेंट के लिए कि बच्चे को किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये बात खुद चर्चा करनी चाहिए और घर पर उन्होंने किस तरह का अवलोकन किया इस बात को रेखांकित करना चाहिए। शिक्षण और शिक्षण विकास के सुधार में फीडबैक का क्या रोल है, इस बात को हम थोड़ा सा देखते हैं। फीडबैक सीखने की उपलब्धता, फीडबैक का मतलब सीखने की उपलब्धता, इस मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी स्थिति का ज्ञान तो हो जाता है तथा वे अपने कमजोरियों को भी जान जाते हैं जिन्हें वो
आसानी से भावी शिक्षक तैयारी के लिए संबंध में सहायता मिलती है, जिससे उन्हें भावी शैक्षिक तैयारी के संबंध में सहायता मिलती है। परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने से कार्यक्रमों के सुधार करने में प्राप्त सहायता को हम फीडबैक कहते हैं। परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने में प्राप्त सहायता को फीडबैक कहते हैं, अर्थात जो हमें रिजल्ट मिला उसके बेस पे हमने जो कार्यक्रम बनाया उसमें जो सुधार करने की बात आई वो फीडबैक। ओके, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी फीडबैक दो प्रकार की आवश्यकता सुनिश्चित की गई है। पहला कि विद्यार्थियों को भावी अध्ययन के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। फीडबैक क्या करता है? फीडबैक विद्यार्थियों के भावी अध्ययन के लिए प्रेरणा प्रदान करता है और यह विद्यार्थियों को अध्ययन के संबंध में उपयोगी निर्देश भी करता है। ये दोनों बात मुख्य रूप से कार्य करते हैं फीडबैक के लिए। आगे देखते हैं, शिक्षक व्यवहार के मापदंड में भी फीडबैक को फील्ड क्षेत्र दिया गया। इस क्षेत्रों में फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक सीखने के व्यवहार का निरीक्षण पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर करते हैं। निरीक्षण का विश्लेषण उनके आधार पर फीडबैक दिया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को निम्न क्षेत्रों में फीडबैक देते हैं। कैसे? प्रश्न की गहराई में, मतलब किस प्रकार से प्रश्न विद्यार्थी पूछ रहा है और उस प्रश्न को पूछने की क्या विधि है, सीखने सीख का उपयोग किस प्रकार से विद्यार्थी ने किया, क्या विद्यार्थी में वांछित व्यवहार अवांछित व्यवहार के रूप में भी फीडबैक दिया जाता है, इसका भी क्षेत्र है। मतलब से विद्यार्थी में वांछित अवांछित व्यवहार के रूप में भी एक शिक्षक उसको फीडबैक दे सकता है। समस्या को खोजने की में उसने जिस पद्धति पर कार्य कर रहा है उस पर भी फीडबैक देने की आवश्यकता, इस क्षेत्र में भी फीडबैक दिया जा सकता है। सीखने की विधि को प्रभावशालिता सीखने की विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए कि सीखने की विधि कितना इफेक्टिव है उसकी जांच करने के लिए भी फीडबैक को ही उपयोग किया जाता है। ये फीडबैक के क्षेत्र हुए, इसके क्षेत्रों में फीडबैक विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। फीडबैक के लिए कुछ सुझाव दिए गए कि फीडबैक से क्या क्या सूचनाएं दिया जाता है। एक, अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। मतलब जो स्टूडेंट्स अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको फीडबैक के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए, वी विल गेट बेटर, आप अच्छा कर रहे हैं। सही उत्तर न देने वाले विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश देकर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करें। मतलब जो स्टूडेंट्स सही दिशा में निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको भी फीडबैक दें और उनको प्रेरित करें कि नहीं, आप इस दिशा में कार्य अच्छे से करें। नई जानकारी देने के लिए नई जानकारी देने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा की जाए। फीडबैक में आपकी ये बात जरूर आनी चाहिए, जो विद्यार्थी नए वर्क कर रहे हैं कच्चा कच्च में, ऐसे विद्यार्थियों को आप प्रशंसा करें। अच्छा बोलने वाले विद्यार्थियों की सराहना की जाए, ये भी देखने वाली बात होती है। जो विद्यार्थी अच्छा है, अच्छा है बोल रहा है कच्चा कच्च में, फीडबैक में के रूप में भी उसकी सराहना की जानी चाहिए। विद्यार्थियों में आवश्यकता को समझना ये बातें नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फीडबैक के बाद हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के रूप में। हमने देखा कि रूल ऑफ फीडबैक, ये पॉइंट रूल ऑफ फीडबैक टू स्टैक होल्डर एंड स्टूडेंट पेरेंट्स, हम किस प्रकार से इसमें इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रिपोर्टिंग सिस्टम एंड
परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग सिस्टम परफॉर्मेंस एज लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट। हम पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पहले तो ये ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, कम्युनिकेटिव के बारे में, और लास्ट में पोर्टफोलियोज करके है, इस सब टॉपिक को चर्चा नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। थैंक यू क्लास।